हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के। तो यार मैंने आपको भी बताया था अभी कि कुछ दिन पहले ना मेरे जो DJI का एक्शन 4 कैमरा है इसमें भी अपडेट आया था। अपडेट में था कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है ना उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है, और इसका जो माइक आता है DJI का माइक 2 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसके साथ में इसकी कंपेटिबिलिटी ना काफ़ी अच्छी कर दी गई है अभी। हमने इसको अपडेट किया और उसके बाद हमने इसकी वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस जो देखा है ना वो एक्चुअल में है। जो लो लाइट में इसकी जो इम्प्रूवमेंट आया है ना वो काफ़ी अच्छा आया है, और जितना लेकिन डे लाइट में आपको इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट है भाई, ठीक है। दूसरा अपडेट में था कि इसका जो माइक 2 है उसके साथ में इसकी कंपैटिबिलिटी ना काफ़ी बढ़िया कर दी गई है। अब आपको सिर्फ उसको ऑन करना है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है वो, और ऑटो ऑफ भी हो जाता है 15 मिनट के बाद। तो यार देखो, जब है आपके पास DJI का कैमरा तो क्यों ना आपके पास एक DJI का माइक भी हो तो मज़ा नहीं आ जाए। तो इसीलिए भाई आपके भाई ने एक DJI का माइक 2 बुक कर दिया है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं 9, चलते हैं काम करते हैं, पहले ऑफिस पे चलते हैं ना, पहले काम निपटाते हैं। अभी अपना जो माइक है वो आएगा, तो अमेजन वाला है ना वो यहाँ पे कुछ आता है 2 बजे के आसपास, तभी आएगा है ना। तब तक अपन ऑफिस में बैठ के काम निपटाते हैं। तो यार पता है 12:30 बज गए और अपना कुरियर आ चुका है, भैया अभी देखे गए हैं मेरे को, और इसको ना अभी एक काम करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं है ना, और कनेक्ट करते हैं अपने कैमरे से। तो चलो फिर, ओए गिरियो मत। तो यार ये रहा अपना, इसको फाड़ो। बाबा इतना छोटा सा निकला है, चलो इसको भी यहाँ से निकाल लो। क्या बड़ा सही लग रहा पाउच तो यार, यार बड़ा प्रीमियम सा है यार ये तो वास्तव में। जैसे देखो इसमें एक तो आई है ये लीड, इसको चार्ज वगैरह करने की, एक है भैया अपना ये माइक जिसमें माइक रखा हुआ है, बाहर आ जा ये भैया। अरे अरे सीधा आ जा जी यार, वाइट कलर जम रहा है यार है। ये इसके पीछे इसकी मैगनेट भी है यार, मैगनेट बहुत हार्ड है इसकी यार, वाओ ये रे गजब। तो यानी कि अंदर लगा सकते हैं इसलिए ना ये भाई। और क्या आया है, ये इसकी फर है जो इसको ऊपर लगेगी भाई, ये आई है क्या क्या ये लग गया भाई। अब इसको एक काम कर लेते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने कैमरे से अब है ना, एक बार देखें किस तरह कनेक्ट हो रहा है और फिर यूज़ कर देखते हैं इसको। चलो फिर को ना अभी मैं अपना सेटअप दिखा दूं। अभी जो मेरा सेटअप है ना वो कुछ ये रोड का माइक है और इस तरह का कुछ सेटअप है अभी है ना, ये पूरे तार के झंझाल है इसमें, और एक माइक मेरा यहाँ पर लगा हुआ है ये वाला है ना, इसके थ्रू जो है कनेक्ट रहता है तब हमारी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। अभी ये सिर्फ सिंपल सा ये है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इससे, और काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि ये DJI का, ये भी DJI का है। तो अभी निकालते हैं, चलो आप इसको। तो यार ये कुछ इसकी प्रोसेस थी, इसकी सेटिंग में जा करके ना मुझे सिर्फ सिंपल सा इसके कहाँ गया वायरलेस माइक में जा करके यहीं पर ही ऑप्शन आया था जिसमें कि इसमें ब्लू लाइट ऑलरेडी थी, इसको दबाए रखना था, ये जो है कनेक्ट हो गया, इसको दबाए रखना था और ये कनेक्ट हो गया। अभी ये इससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है इससे भी, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं और मॉनिटर वॉल्यूम सारी चीज़ें एक बार देख लें, इसको एक बार देखूँ सारी चीज़ें कैसे क्या है, उसके बाद यूज़ करते हैं इसको है ना। तो यार अभी ना मैंने कनेक्ट कर लिया है अपना ये वाला माइक अपने इस कैमरे से, बहुत ही इजीली कनेक्ट हो गया यार। इसको अब लगाते हैं भैया यहाँ पर, और यार एकदम मस्त ना। अभी इसकी आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है वो सब चेक हो पाएगा, कैमरे पे क्या लग गया वो सब चेक हो पाएगा अपना जब मैं अपने कंप्यूटर पर काम करूँगा। तो अभी तो इस तरह से आ रही है, अभी ना इसमें नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑन नहीं करी है, तो अभी इस पर कैसे ऑन करते हैं वो मुझे देखना है एक बार। तो अभी आप जो भी आवाज़ सुन रहे हो ना वो विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन की है, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसमें जो नॉइज़ जो भी आ रही है ना उसको हटाते हैं। तो मैंने अभी एक्टिवेट कर दिया है नॉइज़ कैंसिलेशन का, तो अभी आवाज़ में क्या डिफरेंस आया है अभी वो सब बाद में मालूम पड़ेगा।
और अभी मैंने हटा दिया है तो अभी क्या डिफरेंस आया है वो सब चीज़ चेक करेंगे, फिर से लगा देते हैं। लगा दिया मैंने, ठीक है भाई। तो अभी जो अपना सेटअप हो गया है ना वो कुछ देखो इस तरह का हो गया है, कैमरा अपना फ्री हो गया है यहाँ से। अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, इसमें कुछ भी लगा नहीं है, सीधा ये माइक है जो अपना जो है यहाँ पर टक हो जाएगा, है ना। तो ईजी हो गया अपने लिए और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है इसके थ्रू। तो पता है इससे एक और चीज़ है, इसमें बटन दे रखी है, इसी से कैमरे से आपका जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है ना वो ऑन ऑफ दोनों आप इसी माइक से कर सकते हो, आपको कैमरे पे हाथ लगाने की नीड नहीं है। तो भाई देखो ऐसा है कि अभी हमने अपना जो कैमरा है ना, जो अपना माइक है सॉरी, वो हमने लगाया हुआ है लेकिन अभी वो बाहर नहीं है, अंदर की तरफ लगा हुआ है जो कि यहाँ पर है इस मैग्नेट के थ्रू। तो यार अभी जो भी आवाज़ रिकॉर्ड, आवाज़ चेक कर रहा हूँ मैं कि अगर मैं अंदर लगा के आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ तो कैसी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा, है ना। तो अभी आवाज़ जैसी भी आएगी देखते हैं, बाकी अभी इसको अपन लैपटॉप पे चेक करेंगे तब मालूम पड़ जाएगा सारी चीज़ें किस तरह का रिकॉर्ड ये कर रहा है। इसका तो काम बन गया, अभी मेरे पास ये वाला माइक भी है दूसरा, वो रोड का काफ़ी अच्छा माइक है यार, और काफ़ी प्रीमियम माइक है, अच्छा है। बस इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं थी और थोड़ा दिक्कत मेरे को आती थी, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सेटअप यार होता था। अभी ये काफ़ी अच्छा हो गया है, अब इसको तो मैं अपने आईफोन में लगा सकता हूँ रोड वाले माइक को, इसको इस वाले से कनेक्ट रखूँगा। बाकी इस वाले माइक को एक बार आईफोन से और कनेक्ट करके देखते हैं एक बार कि यार इसमें कैसे कनेक्शन बनेगा इसका, है ना, वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो अपना जो माइक है ना वो अपना कनेक्ट हो गया है अभी अपने आईफोन से, तो इसको एक काम कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई किस तरह का इसमें आईफोन में ये काम कर रहा है। तो ये भी चेक हो जाए, है ना, लगे हाथ, इसको रखते हैं यहाँ पर और माइक लगा लेते हैं यहाँ पर भैया। तो ये अपना माइक कनेक्ट है आईफोन से, एक बार इसको मैं चेक कर रहा हूँ दूर जाके कि भाई कितना रिकॉर्ड कर रहा है आवाज़, इसी रिकॉर्ड हो रही है, उसकी रिकॉर्ड हो रही है, थोड़ा दूर चला जाता हूँ। तो यार एक काम करेंगे, अभी हमने ये माइक लिया है, थोड़ा सा यूज़ करता हूँ उसको मैं, और इसको फिर ना एक पूरा रिव्यू निकालते हैं इसका कि भाई किस तरह का ये रहा, कितना कन्वीनियंट रहा मेरे को अपने एक्शन 4 के साथ में इसको मैंने अगर परचेस किया है तो। अभी मैंने इसको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन पर लगा दिया है और अभी किस तरह की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है वो सब पूरा एक डिटेल में चेक करेंगे, है ना, हर एक चीज़। पहले इसको मैं एक बार यूज़ कर लूँ, पहले मालूम पड़ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जिसमें हम बात करेंगे इस माइक के बारे में पूरा डिटेल में, आईफोन से कनेक्ट करके, अपने इससे कनेक्ट करके एक्शन फोर से, और अपने पास इंस्टा 360 भी है ना उस पर भी कनेक्ट करेंगे, हमें उस पर ज़रूरत पड़ती है कई बार शॉट लेने की, तो उस पर भी ये रिकॉर्ड करेगा नहीं करेगा, उस पर कनेक्ट होगा कि नहीं होगा वो सब चेक करना है, और रिकॉर्ड आवाज़ कैसी आ रही है वो सब चीज़ हम चेक करेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, टिल देन बाय बाय।